चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। हट जाओ इधर को, खाली खाली जगह। कितना पुलिस वाला है जी? वही 15 आदमी थे, 12-13 आदमी, 15 आदमी। दरवाजा तोड़ा? सारा दरवाजे तोड़ दिए, सारा लेटरिन बाथरूम, सारा किचन, बाथरूम, फ्रिज भी सब फोड़ दिया, सारे बच्चों को। मारा भी किसी को? मार पीट कर जेल दे गए। वो भाई को भी 5 साल लग रखे थे, 1-3-5 हजार एक रखे थे जी। पैसे जी 5 हजार। कुछ जेवरात जी? सेम पिला रखी थी, अच्छी लेती पैरों की, रात ही निकाल ली थी। अच्छा जी। पिटा में डंडा वंडा मारा जी? मारा। एक गट्टे में 3 लट मारे इसके? एक कमर पे मारा मेरे। कमर पे भी लगा? और एक हाथ पे मारा है। कमर पे निशान? और निशान देख, निशान वीडियो बना के देगी कभी पूरा? नहीं, कमर का छोड़ दो। कमर ये देखो, ज़ईफ आदमी है। कितना कितना मारा गया इनको, बहुत मारा गया, बिल्कुल बुजुर्ग आदमी। क्या हुआ था तेरे साथ? कितना आदमी आए थे? क्या क्या नुकसान कर गए? हाथ दिखाओ, चोट की जगह। ठीक, खूब आवाज आ रही थी, हमें हाथों की इसी का चिंगार की। हमने अपने घर में भर के गुन्ने लगा लिए। हम ये सोचते जब हमारा कुछ कसूर नहीं है, हमारा कुछ रिश्तेदार नहीं है, हमें क्या ले जाएंगे मैं पकड़ के? हमने ये सोचा, बस हम गुन्ने लगा बैठ गए। मैं तो घन घन करके की बात तोड़ के फिर हमारे भी बढ़ गए आगे। किस टाइम की बात है? 3:30 की बात होगी। और उन्हें यूँ कह रहे खोलो की वाड़, तो बाजारे की वाड़ खोलो, पल लगर के तो टूट गए। उसमें तो उसमें बढ़ के लड़के को ले गए, झंडी थी गली में चांदी की, वो खेची होगी मेरा बच्चा की, उसके बजा के उसे ले गए। बटन भी टूटते पड़े थे, कितने लोगों को ले गया आपके? सुनो बता रही मैं, 2 तो दामाद और 1 लड़के, 1 बाप उनका, 5 को ले गई। कुछ बताया नहीं क्यों ले जा रहे, किस वजह से? ना भैया ना हमें इतनी अकल हुई ना कुछ, बस हम तो यूं ही थे, हमने का कुछ कर कहा ना, हमने कुछ पूछा तो सिद्ध है। कितने का नुकसान हो गया घर में? देख लो सारा नुकसान ही। ये बहुत सामान लाई थी, सारा जितना भी दहेज का है सबका सारा नुकसान है, सारा टूट गया। फ्रिज, कपड़ा धोने की मशीन, बाई ड्रेसिंग, छोटी बड़ी अलमारी, सब टूटा पड़ा है। और घर में सारे आदमियों को ले गई पुलिस? जी सारों को ले गई। कोई मर्द नहीं है घर में? कोई नहीं है मर्द को, तो खींच खींच के ले गई, गिरामान खींच खींच के, बटन भी टूटे पड़े थे पूरे। छुटवाने के लिए कोई प्रयास? जब कोई है नहीं घर, जब कोई है नहीं, मैं यूं ही तो कह रही भाई, जब कोई है नहीं कौन छुटवाना? तो अभी पता लगा कि क्या कहा है आपके? ये सुन रहे हैं, सुनने वाला से मुझे पढ़ना कर रहे हैं भाई, हमें तो पता नहीं कोई कुछ बता रहे, कोई बच्चे बता रहे, हमें सच्चे नहीं पता बात का। कोई के माँ है, कोई के माँ है, कोई के मुजफ्फरनगर जेल में, हमें इस बात का मिलने पका पक्का पता का। किसने तोड़ा है दिखाना, कौन सा टूटा है? अच्छा, कौन कौन तोड़ के गया? पुलिस। पुलिस? देखा था तुमने? जो लोहे का गेट है इसमें इस कदर के मोटे मोटे हथौड़े थे, मैं मारे बहुत ही, इस तरह थी चिंगारी जैसा कि गोलियां चल रही हो, जब दहशत की वजह। फिर इनका बरसा ही आए यहाँ को, फिर ये भी नहीं चलो यहाँ को नहीं कूदा, फिर वो बैठक के जो है ना गेट तोड़ा भी, इस खिड़की में को आए जब चढ़े। लोहे का गेट अगर मतलब उनसे टूटा नहीं लोहे का गेट? जी जी, तो ये लकड़ी का गेट तोड़े, इधर का तोड़ा इधर को अंदर जी जी इधर को इधर पुलिस वाले थे बस, क्या गए हैं ऐसे थे 10-12। अच्छा, तो 10-12 घर में आपके घुस गए? जी एकदम, कुछ इधर थे दीवार से, इधर कुछ हमारी तरफ, एकदम से इस तरह से चढ़े छाती पर, बहुत बुरी तरह से हर चीज़ों का उजाड़ा लगा दिया। किस टाइम की बात है?
ऐसे बजे थे साढ़े तीन चार के करीब, कौन चार से हो रहे थे, साढ़े तीन चार बजे जी, सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। जिस वक्त पुलिस वाले आए उस वक्त घर में कौन कौन था? घर में बस हम ही थे सब। सब कौन कौन? बच्चे थे हमारे और हम थे। और आपके जो पति है वो कहाँ थे? मैं भी क्या कह रहे, मैं तो घर में नहीं थे, बाग में जा रहे, बाग में थे, बाग में थे, वरना उनको ले जाते जी, ले जाते उन्हें तो छोड़ नहीं थी बिल्कुल भी। अल्लाह का शुक्र ये हुआ मैं बच गया, अन्य मारे तो नन्ने नन्ने बच्चे, हम तो बिल्कुल परेशान हो गए। तो क्या क्या तोड़ा है घर में? सामान तोड़ दिया बिल्कुल, मशीन तोड़ दी, गेट तोड़ा, चरपाइयाँ तोड़ दी सारी, सब सामान का उजाड़ा लगा दिया बिल्कुल ही। बच्ची आ रही थी ईद मिलना आई थी लुंडी, उसके भी जो टूम टाइम थी वो सब खसोट लिया, तो गले की पैरों के उसकी बच्ची, जो उसका गहने वहने सामान था वो ले गए सब, सब छीन लिया उस बच्ची का। पैसे वैसे भी रखा था थोड़ा, उसका थोड़ा बहुत ही थे बटुए में जो थे वो भी ले गए। क्या घटना है पूरी, क्या हुआ है जी? इस घटना में एक अफजल नाम का व्यक्ति है, वो चल रहा था तड़ी पार, और इसको गांव के उसी में कम से कम एक साल पहले पकड़ा गया था। और जी ये आया हुआ था ईद मिलने के लिए, तड़ी पार की सजा इसकी पूरी हो गई है बखौल अफजल के, और जी पुलिस प्रशासन कह रहा है कि इसके 5-6 दिन अभी बकाया हैं, तो इसको ये पकड़ने के लिए आए। और जी ये आए थे 25 की रात में, जैसे ही आए उसी पड़ोस में एक बच्चा बीमार था एक्सीडेंटल, और जी जैसे ही मान लो इस पर पुलिस ने हमला किया, ये कूद गया दूसरे के घर में, तो इसकी बच्चियों पर, औरतों पर, सब पे, बच्चों पे, छोटों बड़ों पे, सब पे लट बजाया पुलिस ने। और पुलिस के इसके बजाने के बाद फिर वो लड़का ही पकड़ा गया, दूसरे की दीवार फांद के वो भी चले गए, वो वहाँ पड़ गया कमरे में, तो उसको भी 20 खदर मारा बेहिसाब। रुक्का रोला जो हुआ, पूरी पब्लिक उठ गई, वो पब्लिक ने सोचा आस पड़ोसियों ने कि ये हुआ है कि कहीं वो बच्चा मर गया जिसका एक्सीडेंटल था, इस वजह से पब्लिक बाहर आई एकदम। पब्लिक बाहर आई तो पुलिस ने उनके साथ में मारपीट की, तो फिर पुलिस चली गई। तो फिर गांव वालों ने कहा भाई मान लो एसओ साहब से बात करो, जो जिम्मेदार थे गाँव के वो, उन्हें एसओ साहब को बुला लिए, एसओ साहब से बैठ के बात हुई, एसओ साहब आश्वासन दे के चले गए कि भाई हमने तुम्हारा फैसला करा दिया, अब कुछ नहीं होगा, आप चैन से रहें, और ये पुलिस ने गलत किया है, और मैं यहाँ से स्टाफ बदल दूंगा। तो लोगों ने ताड़ियाँ बजा दी और सब खुश हो गए, अपना चले गए घर। तो अगले दिन उसी वक्त लगभग 12-1 बजे ही फिर एसओ साहब खुद पुलिस के साथ में और 5-6 गाड़ी के साथ में गांव में आ गए, फिर उसी घर में फिर उसको पकड़ने की कोशिश की। ये 26 तारीख की रात की बात है जी। जी फिर उन्होंने घर से भर के एक तरफा से पांच सब के घरों में हथौड़े घन और जी रोड हर चीज़ ले रहे थे, सब हथियार उन्होंने किवाड़ तोड़ दिया हथौड़ों से, और फिर घर में एक एक सामान तोड़ दिया सबका। गरीब आदमी है बहुत, और बहुत से लोगों के तो उनके घर से जहाँ झगड़ा था उनसे कम से कम 1 किलोमीटर या आधी पौन किलोमीटर दूरी पर मकान है जहाँ कोई मतलब ही नहीं बैठता, उधर जाकर भी दूसरे मोहल्लों में भी यही काम किया। आज तीसरा चौथा दिन है जी, लोग अपने घर में नहीं है, खाना नहीं है कुछ, तो लॉकडाउन चल रहा था, वो भुखमरी के कगार पे थे, कुछ और भुखमरी आ चुकी है देश में, इस गांव में बहुत बुरी दिक्कत हो रही है जी, इस कदर हमारी दुर्गति हो रही है जी, ऐसा तो कभी देखा ना सुना पूरे भारत में, ये तो पहली बार देखा जी, इस तरह की कंडीशन हो गई है। तो क्या हमारा इस पे ये नहीं पता क्या ले रहे थे, आवाज धड़ाधड़ आई थी जो हथौड़ा बज रहा हो। और कितने थे लोग? बहुत आदमी थे जी, कुछ गिनती नहीं, हिसाब ही नहीं था कितने आदमी थे। तो कौन पुलिस वाले थे? हाँ पुलिस, पीएससी क्या था, मैं तो देख तो पाई नहीं, अंधेरा था। तो ये घर के लोग कहाँ पे गए? हाँ जी पुलिस के डर की वजह से सब भाग गए, प्लान कर गए यहाँ से, कभी हमारे को पकड़ ले, ये उठा ले, वो कर ले, डर के भाग गए। दोबारा भी कल भी आई थी, परसों भी आई थी, हर दिन आ रही। तो मकान बंद करके चले गए लोग? हाँ जी सब ताले लगा के चले गए। तो कितने परिवार ऐसे जो चले गए? कम से कम 200 परिवार चले गए जी, इधर को सबके ताले लगे हुए थे। ये किसका मकान था? ये जी नासिर खान का। उनके तो बंदी हैं। ये पूरा गांव सुनसान है जी। की
आई बस